तो ये बर्तन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले 2 टेबलस्पून घी डालेंगे इसमें। और ये गरम मसाला यूज करेंगे। ये लापसी बनाने के लिए हम जो है गरम मसाला लगभग 2 से 3 मिनट तक हम उसको फ्राई करेंगे, जब तक थोड़ा सा वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए तब तक उसको हम फ्राई करेंगे। एक बार चला लेंगे, बीच बीच में चलाते रहना है इसको। ये 3 मिनट के बाद जो ये पानी हमारा उबलना शुरू हो गया, अब हम इसमें जेगरी गुड़ मिला देंगे। और इसको चलाते रहेंगे, ये गुड़ जो है हमारा पिघलने जाए तब तक। लगभग 2-3 मिनट तक हम जेगरी गुड़ को पकाएंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। आइए 2 मिनट के बाद हम इसमें जो हमारा गेहूं है व्हीट वो इसमें ऐड करेंगे। और लगभग इसको हम अभी 4-5 मिनट तक और पकाएंगे। ये गुजराती लापसी बनाने के लिए हमने जो पकाया था वो टाइम लगभग 15 मिनट से 17 मिनट तक हमने इसको पकाया था। बर्तन का कवर हटा के देखते हैं, ऑलमोस्ट जो है हमारी लापसी पक चुकी है। एक बार चला लेंगे उसको। ये बहुत ही टेस्टी और ट्रेडिशनल आइटम है लापसी, गुजराती लापसी। और ये हमारी बन चुकी है लापसी। अब गैस को बंद करके अब गर्म गर्म ही सर्व कर सकते हैं।